चलते हैं अपने नए टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है टाइम टेम्परेचर एंड ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। क्या नाम है? टाइम टेम्परेचर। ये ध्यान देना, क्या आ गया अब इस क्वेश्चन में? टाइम आ गया, टाइम टेम्परेचर और ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको क्या बोलते हैं, यानी कि टेम्परेचर के साथ ट्रांसफॉर्मेशन आपने कहाँ पढ़ा था? आयरन कार्बन डायग्राम में पढ़ा था। तो जो आयरन कार्बन डायग्राम था Fe Fe3C, कुछ लोग आपको Fe C पढ़ेंगे, जो भी डायग्राम, ये दोनों आयरन कार्बन डायग्राम होता है दोस्तों। जो आयरन कार्बन डायग्राम होता था वो इक्विलिब्रियम डायग्राम था। वो क्या था? इक्विलिब्रियम डायग्राम था, क्योंकि उसमें कहीं पर भी टाइम के बारे में कोई बात नहीं हुआ था। मैं इसीलिए आपको पहले लेक्चर में क्या बता दिया था, जब हम लोग ये सब फेज डायग्राम पढ़ रहे थे, कि अगर कूलिंग रेट ज़्यादा हो जाए, कूलिंग रेट कम हो जाए, तो अब यहाँ पर रेट आएगा। तो देखिए, टाइम टेम्परेचर में Fe3C डायग्राम था, इक्विलिब्रियम डायग्राम था। क्यों? क्योंकि टाइम के बारे में क्या किया था हम लोगों ने, टाइम वॉज नॉट डिस्कस्ड। कहने का मतलब है कि कूलिंग रेट जो था वो क्या था, नॉर्मल स्लो कूलिंग रेट था। लेकिन अब देखिए क्या होगा दोस्तों, अब इस केस में क्या हो जाएगा कि अब TTT डायग्राम के अंदर हम लोग टाइम के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग TTT डायग्राम में क्या हो जाता है, टाइम आ जाता है, तो इसलिए क्या डायग्राम हो जाता है, ये नॉन इक्विलिब्रियम डायग्राम हो जाएगा। कौन सा डायग्राम हो जाएगा? ये नॉन इक्विलिब्रियम डायग्राम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन किसका होगा। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को जो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, और पढ़ना है ऑस्टेनाइट का। ऑस्टेनाइट क्योंकि 723 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहेगा, ठीक है, 723 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ऑस्टेनाइट का ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो अब किस चीज़ में होगा। अभी तक आपने केवल क्या पढ़ा था, ऑस्टेनाइट को आप किस चीज़ में कन्वर्ट करा रहे थे, बार बार परलाइट में आप कन्वर्ट करा रहे थे। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं टाइम के साथ में चेंजेस ला करके कुछ अलग अलग कंपोनेंट्स ही बनाऊंगा, जिसको मैं क्या बोलूंगा, बेनाइट और मार्टेनसाइट। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर कूलिंग रेट अगर बहुत ज़्यादा तेज हो गया तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं फॉर्म हो पाएगा। अगर थोड़ा तेज है तो कैसा, फाइन ग्रेन बनते हैं, और अगर बहुत स्लो है तो यार कोर्स ग्रेन बन जाते हैं। अगर कोर्स ग्रेन रहते हैं तो क्या बताया था, डक्टाइल होता है मटेरियल। अगर फाइन ग्रेन बताया था तो क्या बताया था, टफ होता है लेकिन डक्टिलिटी थोड़ी घट जाती है। और दोस्तों, अगर स्ट्रक्चर ही नहीं फॉर्म होगा तो क्या हो जाएगा, अगर स्ट्रक्चर ही नहीं फॉर्म होगा तो क्या होगा, हार्ड एंड ब्रिटल हो जाएगा, एमॉर्फस जिसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अब ये मेनली तीन चीज़ें फॉर्म होती हैं हम लोग की, उसके बारे में हम लोग को देखना है। तो देखिए दोस्तों, क्या हुआ था कि एक प्रोफेसर बेन आए थे, प्रोफेसर बेन थे, आपको समझ में आ गया होगा कि ये नाम उन्होंने ही दिया है, प्रोफेसर बेन आए। प्रोफेसर बेन ने ये बोला कि किसी मटेरियल जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इनके अकॉर्डिंग क्या था, प्रोफेसर बेन ने ये कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फेजेस जो होते हैं वो क्यों होते हैं, वो अकर ड्यू टू टू रीजंस। पहला चीज जो उन्होंने बोला था उसको उन्होंने बोला गिव फ्री एनर्जी, यानी कि जी इज इक्वल्स टू एच माइनस टी एस, ये गिब्स फंक्शन है। और जो दूसरी चीज़ है मित्रों, वो इन्होंने प्रोवाइड करी थी, वो क्या प्रोवाइड किया, डिफ्यूजन का। अब डिफ्यूजन आपको पता है, वही ग्रेन बाउंड्री के ऊपर मूवमेंट, ग्रेन बाउंड्री का ब्रेक होना, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारे डिफ्यूजन है, ठीक है। तो दोस्तों, होता क्या है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को, दोस्तों क्या होता है, अगर हम लोग टेम्परेचर को इनक्रीज करें
तो आप बताओ क्या गिब्स फ्री एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा कि नहीं डिक्रीज करेगा? अगर टेम्परेचर को देखिए, हेमोल्ट्स फंक्शन होता है या एंट्रोपी होती है, टेम्परेचर होता है, गिब्स फ्री एनर्जी है। अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो माइनस वाला टर्म इंक्रीज होगा, तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज करती है। और टेम्परेचर बढ़ाने से, लेकिन आपने पढ़ा था कि डिफ्यूज़न जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डिफ्यूज़न होगा, तो डिफ्यूज़न क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। फॉर एवरी 20 डिग्री सेंटीग्रेड डिफ्यूज़न क्या हो जाता है, 2 times मल्टीप्लाई हो जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या हो रहा है, गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज कर रही है। अगर मैं कर्व प्लॉट करने की बात करूँ तो जो मेरा कर्व आएगा वो टेम्परेचर के साथ कुछ इस तरीके से आएगा, जी का, और डिफ्यूज़न को अगर मैं डी लिख दूं, और टेम्परेचर के बारे में अगर बात करूं तो टेम्परेचर के बढ़ाने से गिब्स फ्री एनर्जी क्या कर रही है, डिक्रीज़ हो रही है। और टेम्परेचर के बढ़ाने से डिफ्यूज़न मेरा क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। ये डिफ्यूज़न हो गया और ये मेरा क्या हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी। तो दोस्तों एक बात बताओ, अगर बहुत ज़्यादा अगर मान लो कि इनका कॉमन जो ट्रांसफॉर्मेशन का मैं कर्व बनाने की कोशिश करूं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का कर्व कैसा आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। इसको मैं क्या बोलूंगा, ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है। तो दोस्तों एक बात बताओ, ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो सबसे ज्यादा बेस्ट कब होगा, जब दोनों का एक ऑप्टिमम हम लोगों को मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो देखो क्या देखा गया, अगर मैं इसको नीचे थोड़ा सा लिख लेता हूं टेम्परेचर को, ये मेरा 550 डिग्री सेंटीग्रेड है फॉर आवर आयरन कार्बन डायग्राम, और जो मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं वो मैं किसका कर रहा हूं, यूटेक्टोइड स्टील्स का कर रहा हूं, ऑस्टेनाइट है फॉर, ये देखो आप, ये जो सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, ऑल ट्रांसफॉर्मेशंस विल बी फॉर किसके लिए हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, यूटेक्टोइड स्टील्स। ठीक है दोस्तों, तो फिर देखो, जब हम लोग टेम्परेचर बहुत कम रख दिए थे, जब हम लोग मान लो टेम्परेचर 350 डिग्री सेंटीग्रेड रखे थे, तो आप क्या बोलोगे, सर डिफ्यूज़न बहुत ही कम है और गिब्स एनर्जी क्या है, ज़्यादा। जब मैंने 550 रखा तो दोनों ऑप्टिमम है, सर जब मैंने 700 लगा दिया था तो सर फिर से क्या हो गया था, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत कम हो रहा था, यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम कम लग रहा था, अरे ज़्यादा लग रहा था, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में क्या लगेगा, मिनिमम टाइम लगेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है दोस्तों, ये टाइम पे क्या असर पड़ेगा। तो आपने क्या बोला कि सर अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि मेरी गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो घट रही है, और मेरा डिफ्यूज़न को क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सर सिमिलरली तो मेरे को चीज़ समझ में आ रहा है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है वो इन्हीं दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है, कि ये क्या है, यहाँ पर गिब्स एनर्जी और डिफ्यूज़न। तो ट्रांसफॉर्मेशन टाइम ऑफ फेजेस अकर ड्यू टू टू रीजंस, ठीक है ना। तो देखो, एट 550 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या देखा गया, कि जो ट्रांसफॉर्मेशन था, आपको डायग्राम याद आ रहा है, ये वाला जो डायग्राम था आयरन कार्बन वाला, तो इस पॉइंट से गामा से ये बनने में टाइम कितना लगेगा, मैं उसके बारे में बोल रहा हूं, जो कि मेरा गामा से जो अल्फा प्लस Fe3C फेज बन रहा है, तो यहाँ पे टाइम, इसमें तो थोड़ी हम लोगों ने डिस्कस किया आयरन कार्बन, यहाँ पे हम लोग टाइम डिस्कस करेंगे। तो एट 550 डिग्री सेंटीग्रेड ट्रांसफॉर्मेशन टाइम इज क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन टाइम इज मिनिमम, ठीक है दोस्तों, 550 डिग्री सेंटीग्रेड ट्रांसफॉर्मेशन टाइम क्या था, मिनिमम था, और वो मिनिमम क्या था, वो 1 second का था। इस 1 second में क्या हो रहा था, गामा जो ऑस्टेनाइट हो रहा था वो क्या हो रहा था, किसी चीज में कन्वर्ट हो जा रहा था, किस में कन्वर्ट हो जा रहा था, परलाइट में कन्वर्ट हो जा रहा था, कितने पे, 1 second में। तो इस 1 second को एक और चीज क्या बोलते हैं, इनक्यूबेशन पीरियड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनक्यूबेशन पीरियड। इनक्यूबेशन इसलिए बोलेंगे कि हमारा मटीरियल जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम ले रहा है, और उस टाइम के अंदर क्या कर रहा है, उस टाइम के अंदर हमारा मटेरियल किसी और सब्सटेंस में क्या हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है।
तो हम लोगों ने टाइम के बारे में पढ़ा। अब दोस्तों आप ट्रिपल टी डायग्राम को हम लोग प्लॉट करके देखते हैं। देखिए दोस्तों प्लॉट करना ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल में है, फिर भी हम लोग कर रहे हैं इसलिए क्योंकि बिना प्लॉट किए हम लोग को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो पाएगा ट्रिपल टी डायग्राम का और फेजेस का, इसलिए हम लोग को थोड़ा प्लॉट करना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप प्लॉटिंग पूरे एग्ज़ाम में याद करके जाओ, लेकिन मैं जो आपको बेसिक चीज़ें बताऊँगा वो आपको समझ में आना चाहिए और आप उसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करके जाएंगे। देखिए दोस्तों क्या करना है हम लोग को, जो सबसे पहला जो डायग्राम होगा हम लोग का, जो सबसे पहला देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वाई एक्सिस पे मैं एक्स एक्सिस पे मैं टाइम को प्लॉट कर रहा हूँ और वाई एक्सिस पे मैं ट्रांसफॉर्मेशन को प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मेरा एक्स एक्सिस पे किकोन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, गामा ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो देखिए मैंने इस तरीके से क्या किया, ये कर्व थोड़ा सा आगे नहीं जाएगा, ऐसा जाएगा, ये ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, अलग अलग बताता हूँ मैं आपको, दो मिनट आप बस रुक जाओ, मेरे को बस आप ड्रॉ कर लेने दो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग टेम्परेचर्स के लिए इंक्यूबेशन पीरियड देख रहा हूँ। आपने क्या बोला कि सर जो मिनिमम टाइम लगा था वो हम लोग का 550 डिग्री सेंटीग्रेड पे लगा था, तो जो मिनिमम ट्रांसफॉर्मेशन जो मिनिमम टाइम लगा है वो किस पे लगा है, 550 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब मान लो कि मैं इसको 350 लिख लेता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ 400, इसको मैं लिख लेता हूँ कितना 500, इसको हम लोगों ने लिख लिया 600, एक और बना लेते हैं, इसको कह लेते हम लोग 700। ठीक है दोस्तों, आई होप कि डायग्राम स्ट्रेट है। जी हाँ बिल्कुल स्ट्रेट है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और किसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यहाँ पे क्या है ये, यहाँ पे इस एक्सिस पर हम लोग लिखना चालू किया तो यहाँ पे ये अभी ऑस्टेनाइट है। ठीक है दोस्तों, अब आइए बात करते हैं टेम्परेचर वर्सेस टाइम की। तो ये जो ग्राफ हुआ हम लोगों का ये क्या हो गया, थोड़ा सा और ये नीचे तक जाएगा इसलिए अभी हम लोग इसको थोड़ा यहाँ तक लेकर के चलते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये पूरा विजुलाइज हो रहा होगा डायग्राम, डायग्राम यहाँ तक विजिबल है नीचे तक। तो अगर ये डायग्राम यहाँ नीचे तक विजिबल है तो देखिए यहाँ पे जो वाई एक्सिस पे जो हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं वो क्या ड्रॉ करने जा रहे हैं हम लोग, टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, और जो एक्स एक्सिस पे हम लोग अब लिखने जा रहे हैं नीचे वो होने जा रहे हैं नीचे क्या, टाइम। फिर से हम लोग क्या लिख रहे हैं, टाइम के बारे में लिख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले सबसे ऊपर 723 डिग्री लाइन को क्या कर दिया, प्लॉट कर। देखो आपको सारा समझ में आएगा, घबराना नहीं है, केवल 723 फिर 700 की लाइन, 650 की लाइन, 550 की लाइन, 450 की लाइन, 350 की लाइन, नीचे का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, ये मेरा क्या हो गया, रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर जीरो तो नहीं हो सकता इसलिए मैं जीरो नहीं लिख रहा हूँ, रूम टेम्परेचर लिख ले रहा हूँ। यहाँ से लिखना चालू करते हैं, 700, 650, क्योंकि देखिए टेम्परेचर तो दोस्तों ऑर्डर में ही आएगा ना, टेम्परेचर में ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे मैं ऊपर लिख दूंगा 550 नीचे, नहीं, 550, 500, 450, 250। ठीक है दोस्तों, क्या 350 भी लिया है, क्या 350 लिया है, चलो 350 भी रहने देते हैं। अब देखिए दोस्तों होता क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन किसका हो रहा है, ऑस्टेनाइट का हो रहा है, तो ऑस्टेनाइट का सारा पॉइंट ये 550 वाला जहाँ पे है वहाँ पे क्या करते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, हम लोग क्या किए, ऑस्टेनाइट स्टार्ट हुआ और ऑस्टेनाइट यहाँ पे क्या हो रहा था, फिनिश हो रहा था। दो मिनट आप रुको 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 रुको, ये देखो ये देखो 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 देखो, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑस्टेनाइट फिनिश हो गया, ऑस्टेनाइट स्टार्ट हुआ, ऑस्टेनाइट यहाँ पे क्या हुआ, तो ऑस्टेनाइट का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था और ये टाइम कितना था, 1 सेकेंड था, यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड किस पे था, मिनिमम था 550 पे, 550 पे इंक्यूबेशन मिनिमम था, 1 सेकेंड में ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था। इस पॉइंट को मिलाया, इसको लिखा ए, इसको लिखा अभी बी, ये पॉइंट था मेरा ए, ये पॉइंट था मेरा बी। अब आ जाओ सी डी को देखो, कितने टेम्परेचर पे, 550 वाले पे। ठीक है, ये 350 कर लो आप, 350 नहीं दिया है तो, ठीक है
या 450 का बनाया, नहीं बनाया, तो चलो एक काम करते हैं, इसको 350 करते हैं, इसको 250 कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ आ जाओ, देखो आप यहाँ पे, अब सी को क्या करो, धीरे धीरे नीचे प्लॉट करो, सी को प्लॉट करो, प्लॉट करो, प्लॉट करो, प्लॉट करो, कहाँ तक आप लेके आओगे, 350 तक, ये हो गया सी। और इसी तरह डी को आप ड्रॉप करो, 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 कहाँ पे आ गए, डी पे, सी, और लो मैंने यहाँ पे डी लिख दिया, ठीक है मित्रों। अब चलो 400 वाले का देखो, आओ 400 वाले को क्या किया, ड्रॉप कराते हैं, मान लो इधर कहीं पे आएगा, ठीक है, 400 वाले को ड्रॉप कराया, ड्रॉप कराया, ड्रॉप कराया, ड्रॉप कराया, ड्रॉप कराया, 500 लिखा हुआ है, चलो लिखा हो तो यहाँ ले लो और यहाँ ले लो, क्या लिख लो इसको, सी डी ई कॉमा एफ, इसको बना लो आप ई, इसको बना लो आप एफ, ठीक है, वहां से ड्रॉप करो पहला, यहां से दूसरा, और देखो कि क्यों, एक सामने सामने क्यों लिखा है मैंने ए और बी को, सामने सामने इसलिए लिखा कि टेम्परेचर कितना है 550, ये टेम्परेचर कितना है 550, इसीलिए एक दूसरे के सामने सामने हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, ये पॉइंट थोड़ा सा और नजदीक आप मान लो, इतना दूर दूर नहीं रहेगा, ये सी डी पॉइंट थोड़ा सा और आगे जाएगा, मान लो ये हो गया सी, ये हो गया डी, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे ईएफ पॉइंट आप बना लो। अच्छा देखो 500 वाले को आप ड्रॉप कराओ तो 500 वाला भी कैसा आएगा, इसी तरीके से कहीं पॉइंट आएगा। 700 वाले पे जाते हैं, चलो 700 वाले को ड्रॉप कराओ यहां पे और यहां पे बना, इसी तरीके से आप क्या करो 600 वाले को ड्रॉप कराओ इस तरीके से। ये देखो एग्जैक्ट स्केल पे नहीं बनाया ना, तो सारा ऐसे ही नीचे आता। अब मैं क्या कर रहा हूं, सारे ऑस्टेनाइट स्टार्ट्स को मिला रहा हूं, ठीक है, ये जो कर्व होगा मेरा कैसा आएगा, ये ऐसा कुछ कर्व बनेगा। ए और बी को थोड़ा और पीछे करते हैं, आओ मान लो कि ए और बी थोड़ा पीछे रहता, यहाँ पे ए और यहाँ बी रहता, तो ये कर्व मेरा ऐसे आता, ऐसे आता और ऐसे मिल जाता, और ये जो मेरा डायग्राम बना है, ये जो मेरा डायग्राम बना है, इस डायग्राम को मैं क्या बोलूंगा, ये जो मेरा डायग्राम बना है, ये मेरा ट्रिपल टी डायग्राम बना है। कौन सा डायग्राम बना है, ये ट्रिपल टी डायग्राम बना है। जो इस शेप का आपको दिख रहा है ना दोस्तों, जो इस शेप का आपको कर्व दिख रहा है वो क्या है, वो ट्रिपल टी डायग्राम है। दिस इज आवर ट्रिपल टी डायग्राम, हम लोग को ये डायग्राम सब लोग याद रखते हैं, बट आपको समझ में आया कि बना कैसे है, एक्चुअली बना यहां से है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए बात करते हैं कि नीचे क्या है, टाइम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वो भी लॉग का टाइम है, क्या है ये, लॉग का टाइम होता है। तो यहाँ पे मान लो कि आप आ गया 2, यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे 100, यहाँ पे 10 to the power 5, 10 to the power 7, लॉग जो भी जिस तरीके से आ रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम आ गया, ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताओ, मेन कर्व के अंदर पहले देखो, अगर ये भी आप यहाँ पे देखो, ये आओ टेम्परेचर और टाइम, ठीक है, अगर मैं एक कर्व ये ड्रॉ करूँ, एक कर्व ये ड्रॉ करूँ, एक कर्व ये ड्रॉ करूँ और एक कर्व ये ड्रॉ करूँ, बताओ तो कूलिंग रेट सबसे स्लो किसका है, आप बोलोगे सर डी का है। सबसे कम किसका है, आप बोलोगे सर ए का है। तो कूलिंग रेट सबसे फास्ट किसका है, ए वाले कर्व का है, ये सबसे फास्ट कूलिंग है, और डी वाला क्या है, सबसे स्लो कूलिंग है। तो देखिए दोस्तों, अगर मेरा कूलिंग रेट इस तरीके से जाए, 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 ठीक है, ये थोड़ा ऊपर बनाना था हम लोगों को 700 के ऊपर। इन चारों कर्व में देखो दोस्तों क्या होता है, 723 के ऊपर गामा रहेगा, कूलिंग रेट बहुत स्लो हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा इसमें। अब पहले वो रहेगा क्या ऑस्टेनाइट, पहले वो ऑस्टेनाइट था, ये किसमें कन्वर्ट होगा, अगर कूलिंग रेट इतना स्लो, अगर ये वाला कूलिंग रेट अगर हम लोग रखेंगे तो हम लोग का बनता है कोर्स पर लाइट। सिमिलरली यहां पे क्या आएगा, यहां पे फाइन पर लाइट, क्यों, कूलिंग रेट अगर डी टी बाई डी टाउ, देखो पहले ही बताया था कि डी टी बाई डी टाउ अगर बहुत ज्यादा रहेगा कूलिंग रेट तो क्या हो जाएगा, फाइन ग्रेन बनता है, और अगर डी टी बाई डी टाउ अगर लो कर दो आप तो क्या बनेगा, कोर्स ग्रेन बनता है, ठीक है, फाइन पर लाइट। और यहां पे अब क्या बनेगा,
वेरी फाइन पर लाइट, ठीक है। अब उसी तरीके से दोस्तों एक ग्राफ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो देखो ग्राफ क्या है। अगर मान लो ये ट्रिपल टी के नोज़ को अगर टच करके निकल गया दोस्तों, तो कूलिंग रेट उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है, और उससे अगर तेज मतलब कि अब उससे ज़्यादा कूलिंग रेट अगर आपने कुछ भी किया तो आपका एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर बनता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं मार्टेनसाइट। अगर देखो कूलिंग रेट अगर स्लो रहता है, अगर कूलिंग रेट अगर आपका स्लो रहता है, ठीक है दोस्तों ये वाले ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपका कूलिंग रेट जो है वो स्लो रहता है तो आपका क्या बना, वो परलाइट बना, और अगर कूलिंग रेट बहुत फास्ट है तो आपका क्या बन जाएगा, मार्टेनसाइट बनेगा। अब देखो कूलिंग रेट स्लो का मतलब ये हुआ कि अब चाहे कोर्स परलाइट बनाओ चाहे फाइन परलाइट बनाओ, थोड़ा सा तेज कर दोगे तो फाइन हो जाएगा, थोड़ा स्लो रखोगे तो कोर्स रहेगा, ठीक है। तो कूलिंग रेट अगर आप स्लो रखोगे तो परलाइट बनता है, और कूलिंग रेट अगर क्रिटिकल कूलिंग रेट का मतलब जो ये वाला ग्राफ है इसको मैं सीसीटी से डिनोट कर रहा हूं, तो कूलिंग रेट अगर मेरा अगर ग्रेटर देन क्रिटिकल कूलिंग रेट सीसीआर इसको बोलेंगे, सीसीटी नहीं सीसीआर, सीसीआर का मतलब क्रिटिकल कूलिंग रेट, यानी कि जो नोज को टच करके जा रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले कर्व को हम लोग बोलेंगे सीसीआर क्रिटिकल कूलिंग रेट। तो अगर आपका कूलिंग रेट जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल्स टू सीसीआर अगर आ गया तो आपका जो स्ट्रक्चर बनता है मार्टेनसाइट बन जाता है। मार्टेनसाइट कैसा स्ट्रक्चर होता है, बाकी समय तो अल्फा बीटा की प्लेट्स हम लोगों ने बना ली है, इसके अंदर क्या होता है कार्बन जहां तहां ट्रैप हो जाता है, कोई स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म कर पाता है, और ये जो स्ट्रक्चर आता है जिसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल। बस थोड़े ही टाइम का ये ग्राफ बचा हुआ है दोस्तों, जिसको हम लोग ने क्या बोला, बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल। और ये जो मार्टेनसाइट होता है ये क्या होता है, वेरी हार्ड एंड ब्रिटल, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड और ब्रिटल स्ट्रक्चर बनता है। और ये मटेरियल क्या करता है, ये मटेरियल को हम लोग ज़्यादा यूज़ में नहीं ला पाते हैं। तो परलाइट आपको ही समझ में आया कि ट्रिपल डी डायग्राम में आपने परलाइट समझ लिया, मार्टेनसाइट समझ लिया दोस्तों। अब जो तीसरा और बहुत लास्ट है जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर आपने कूलिंग रेट ऐसी करी है कुछ कि ये आपने जो नोज वाला पॉइंट है उससे आप नीचे लेके आए, आपने होल्ड किया उस टेम्परेचर पे और फिर आप नीचे लेकर गए, तो दोस्तों अब जो स्ट्रक्चर बनता है आपका वो बेनाइट बन जाता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग ऑफ टेम्परिंग बोलते हैं। और अब इस वाले ग्राफ की हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं है, और ये हम लोग का केवल नीचे वाले ग्राफ से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि अगर हम लोग का अगर एक कूलिंग रेट जो हो कुछ इस टाइप से हो, एक कूलिंग रेट जो है वो नोज वाले यानी क्रिटिकल कूलिंग रेट से ज़्यादा है, और फिर हम लोगों ने उसको होल्ड कर दिया और फिर हम लोग नीचे लेकर के गए, तो जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो बेनाइट बनेगा। बेनाइट बहुत ही ज़्यादा टफ मटेरियल बनता है। कि पहले क्या होगा, तीन स्टेप में होता है कि देखो ये क्या है क्रिटिकल कूलिंग रेट, तो पहले कूलिंग रेट जो रहता है वो ग्रेटर देन सीसीआर, फिर होल्ड बिलो 550 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर सम टाइम, और फिर उसके बाद क्या कर दो, अगेन कूल टू रूम टेम्परेचर, तो बेनाइट बन जाएगा। और बेनाइट क्या है, बेनाइट एक हार्ड और एक टफ मटेरियल है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा मटेरियल है जो कि इससे बनता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं ऑस टेम्परिंग। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का ट्रिपल टी डायग्राम का कंस्ट्रक्शन और टोटल प्रोसेस समझ में आ गया है। हम लोगों ने ऑस टेम्परिंग के बारे में अच्छे से कवर कर लिया है, और जब ऑस टेम्परिंग को अच्छे से कवर कर लिया है तो थोड़ी देर के बाद हम लोग थोड़ा मार्टेनसाइट वगैरह देखेंगे, और ट्रिपल टी डायग्राम को थोड़ा सा और करके हम लोग क्या करेंगे, स्विच क्लोज कर देंगे। थैंक यू सो मच। तो आइए दोस्तों अब शुरू करते हैं हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेसेस इन ट्रिपल टी डायग्राम। तो हम लोगों ने अभी तक क्या किया, हम लोगों ने अभी तक ट्रिपल टी डायग्राम को समझ लिया कि ट्रिपल टी डायग्राम जो होता है वो कुछ इस शेप का होता है, ठीक है। दोस्तों आपने क्या बोला था
आपने ये कहा कि सर अगर क्रिटिकल कूलिंग रेट, ये मेरा क्रिटिकल कूलिंग रेट अगर मान लो आप इसको टच करते हुए लाइन जा रही है, तो क्रिटिकल कूलिंग रेट से अगर ज़्यादा कूलिंग रेट होता है तो ये मार्टिन साइट की स्टार्टिंग लाइन है और ये मार्टिन साइट की फिनिश लाइन है। तो आपने क्या बोला कि सर मार्टिन साइट बनता है। ठीक है दोस्तों, जब मार्टिन साइट हम लोगों ने पढ़ा कि व्हेन कूलिंग रेट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्रिटिकल कूलिंग रेट, तो क्या फॉर्म होगा, मार्टिन साइट अगर फॉर्म होगा तो दोस्तों आपने क्या बताया था कि इट इज़ अ वेरी हार्डेस्ट मतलब कि इट इज़ द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ, ये क्या है, ये हार्डेस्ट फॉर्म है, किसका हार्डेस्ट फॉर्म है, स्टील का हार्डेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हार्ड मटेरियल बनाना होता है, तो अगर सबसे ज़्यादा हार्ड मटेरियल बनाना पड़ेगा तो क्या मटेरियल हम लोग बनाना चाहेंगे, मार्टिन साइट बनाना चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे। तो देखिए दोस्तों, मार्टिन साइट बनाने के लिए एक प्रोसीजर होगा। फिर आपने मुझको बताया कि सर क्रिटिकल कूलिंग रेट जहाँ पे है अगर उससे ज़्यादा तेज़ी रेट से हम लोग क्या कर दें, तेज़ रेट से कूलिंग कर दें, होल्ड कर दें और नीचे तक ले आ दें। तो आपने मुझको बताया कि सर इस केस में क्या बनता है, बेनाइट बनता है। अब जो बेनाइट होता है उसका प्रोसीजर हम लोगों ने देख लिया था, बेनाइट कैसे बनता है। जो बेनाइट बनता है वो एक हार्ड मटेरियल भी है, एक टफ मटेरियल भी है, बताइए तो हमारे लिए क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन इसका इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं दोनों को बनाने के जो अलग अलग प्रोसीजर होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस टेम्परिंग और मार टेम्परिंग। देखिए क्या होता है इन प्रोसेसेस के अंदर, इन प्रोसेसेस के अंदर दोस्तों होता ये है कि देखिए क्या होता है इन प्रोसेसेस के अंदर, इन प्रोसेस के अंदर अगर हम लोग क्या करते हैं, एक बार इस जोन में कूलिंग करते हैं, फिर हम लोग उसको होल्ड पे रख देते हैं, और फिर क्या करते हैं, अगर हम लोग कूलिंग करते हैं तो इस प्रोसेस में होल्ड करने से और कूल करने से अब जो मार्टिनसाइट बनेगा वो इतना हार्ड नहीं बनेगा जितना कि सिंगल कूलिंग में बन रहा था। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार टेम्परिंग या क्विंच कूलिंग बोलते हैं इसको। मार टेम्परिंग प्रोसेस जो होता है, मार टेम्परिंग जो होता है, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वेंच कूलिंग बोलेंगे, क्वेंच कूलिंग इसको बोलते हैं दोस्तों। और मार टेम्परिंग या क्वेंच कूलिंग के अंदर जो हम लोग का फाइनल स्ट्रक्चर मिलता है वो क्या बनता है, वो मार्टिन साइट बनता है। ठीक है, वो क्या बन जाएगा हम लोग का, मार्टिन साइट बन जाएगा। और मार्टिन साइट अब ये जो बनेगा, पहले वाले कूलिंग में आप क्या कर रहे थे, पहले वाले कूलिंग में आप डायरेक्टली रॉड को हीट करके आप वाटर के अंदर डिप कर दे रहे थे, यानी कि आप क्या कर रहे थे, क्वेंचिंग कर रहे थे। पहला वाला नॉर्मल जो ये वाला प्रोसेस हो रहा था, ये कौन सा है, ये वाटर कूलिंग है या क्वेंचिंग उसको बोलते हैं। क्वेंचिंग और मार टेम्परिंग में ये अंतर होता है, क्वेंचिंग का मतलब ये होता है डायरेक्टली डिप्ड इनटू वाटर। अगर आप कभी ब्लैकस्मिथ की शॉप पे जाएंगे तो ब्लैकस्मिथ क्या करता है, रॉड को गर्म करता है और डायरेक्टली पानी के अंदर डालता है, फिर हैमरिंग करता है। तो जब वो हैमरिंग करता है, वो हैमरिंग को प्रोसेस को बोलते हैं क्या, फोर्जिंग। फोर्जिंग से अभी आगे आएगा तो आपको समझेगा, डिसलोकेशंस बढ़ जाते हैं, डिसलोकेशन बढ़ जाता है तो मटेरियल ज़्यादा हार्ड हो जाता है। इस वजह से क्या करता है, मटेरियल आपका टिका रह जाता है, केवल मार्टिन साइट नहीं फॉर्म होता है, मार्टिन साइट को बनाने का तो हैमर करता है। यहाँ पे अगर केवल क्वेंचिंग बनता है तो जो बनता है वो क्या बनता है, सबसे ज्यादा ब्रिटल बन जाता है मार्टिन साइट, और ये क्या हो जाएगा, नॉट यूजफुल रहेगा। जो आपका प्रोसेस वन है ये आपका नॉट यूजफुल है। जब आपका क्वेंच कूलिंग करते हैं आप या स्टेप्ड कूलिंग करते हैं तो आप देखिए करते क्या है, ये जो पहला वाला पार्ट है, अगर मैं फर्स्ट पार्ट करूँ, पहले आप क्या करते हो, इसको ऑयल कूलिंग करते हो, आपने गर्म किया और ऑयल के अंदर डिप कर दिया। फिर जो सेकंड पार्ट है, वो सेकंड पार्ट के आप अंदर आप क्या करते हो, वाटर कूलिंग करते हो। तो इस केस में आपको जो मार्टिन साइट मिलेगा वो टफ मार्टिन साइट मिलता है, और इस टफ मार्टिन साइट को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग टूल्स में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो दो प्रोसेस समझ में आ गए हम लोग को। पहला प्रोसेस जो था वो कौन सा था, स्टेप कूलिंग का था। स्टेप कूलिंग को हम लोग मार्टिन साइट बनाएंगे और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मार टेम्परिंग। अब दोस्तों जो दूसरा प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस टेम्परिंग। तो ऑस टेम्परिंग के बारे में भी आपको पता है, आप क्या बोलोगे कि सर
क्रिटिकल कूलिंग रेट से ज़्यादा तेज रूप से कूलिंग करना है, और फिर क्या कर देना है, उसको होल्ड कर देना है और फिर रूम टेम्परेचर पे कूल कर देना है। तो दोस्तों इस केस के अंदर जो हमारा मटेरियल फॉर्म होगा, वो क्या हो जाएगा, जो हमारा मटेरियल फॉर्म होगा वो हम लोग का ऑस टेम्परिंग हो जाएगा। ऑस टेम्परिंग के मतलब अंदर क्या होता है, कूलिंग रेट पहले क्रिटिकल कूलिंग रेट से ज़्यादा होगा, फिर उसको होल्ड करेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, अगेन रूम टेम्परेचर पर स्टेडी कूलिंग करेंगे। अगर हम लोग ये प्रोसेस को फॉर्म करते हैं, अगर इस तरीके से अपना प्रोसेस को यूटिलाइज करते हैं, तो इस प्रोसेस में दोस्तों हम लोग का बेनाइट बनता है। तो बेनाइट का स्ट्रक्चर आप देख लो कैसा होता है, हम लोग उसी तरीके से माइक्रोस्ट्रक्चर के फॉर्म में इसको दिखा रहे हैं। चलिए इसमें क्या होता है दोस्तों कि मार्टेनसाइट के फ्लेक्स बन जाते हैं, ये होता है आपका मार्टेनसाइट, ठीक है। और मार्टेनसाइट किस में होता है, मार्टेनसाइट जो होता है वो परलाइट के अंदर आ जाता है। तो जब परलाइट के अंदर मार्टेनसाइट आ जाएगा तो आपका मटेरियल क्या बन जाएगा, बेनाइट। तो इसका मतलब क्या हम लोग लिख सकते हैं कि बेनाइट हैज प्रॉपर्टीज इन बिटवीन, बेनाइट हैज प्रॉपर्टीज इन बिटवीन मार्टेनसाइट एंड मार्टेनसाइट के लिए, और जो दूसरा है हम लोग का, दूसरा क्या हो जाएगा, परलाइट। तो जो हम लोग का मटेरियल बनता है, जो बेनाइट बनता है, वो क्या बन जाता है, बहुत ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल भी रहता है, वो सॉफ्ट भी रहता है और वो टफ मटेरियल भी हो जाएगा। तो क्या हम लोग के लिए सारे टाइप के प्रोसेस मिल गए। ये जो स्ट्रक्चर रहता है ये किसका स्ट्रक्चर रहता है, ये बेनाइट का स्ट्रक्चर है। ये आपका क्या हो गया, बेनाइट का स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग जो अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो हीट ट्रीटमेंट का स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।